केशवदेव वार्ष्णेय जी, आप गणेश मंदिर पर बनने वाली झांकियों में मेला संचालन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, आप थोड़ा विचार प्रकट करिए। आप हैं हमारे भूतपूर्व MLC श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, मैं आपसे मेला गणेश परिषद की ओर से निकलने वाली झांकियों के बारे में विचार जानना चाहता हूँ। गणेश जो कि अवसर पर आप लोग बधाई, और ये मेला स्वार्थ होता है, सारे लोग इसके अंदर पटर के भाग लेते हैं, और ये मेला पूरे देश के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर के मेले को आगे बढ़ाएं। आप हैं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री फूल प्रकाश वार्ष्णेय जी, मैं आपसे झांकियों के निकलने वाली रथ यात्रा के बारे में थोड़ा विचार जानना चाहूँगा। बहुत अच्छी झांकियाँ हैं, ये जो है भारतवर्ष में इसका बहुत ही अच्छा नाम है, प्रभावी झांकियाँ। आप रमेशन जी थोड़ा सा विचार दीजिए। सॉरी थोड़ा इधर आके कर लो। सर थोड़ा सा झाग, आप श्री थोड़ा झांकियों के बारे में विचार जानना चाहूँगा। आप चंदौसी में का जो ऐतिहासिक रथ यात्रा है, बचपन में बस अपने प्रवेश किया है, और इस अवसर पे दिव्य झांकियाँ निकल रही हैं, दूर दूर से लोग आए हैं इन झांकियों को देखने के लिए। साथ में एक बैंड का भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन झांकियों के माध्यम से चंदौसी वासियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश दिया है, ये अपने में एक अनुपम है, और हम इस संपूर्ण आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आपके आप चेयरमैन साहब राजेश शंकर राजू जी, आप थोड़े से विचार रखिए। आज के अवसर पर जिन लोगों ने जिस भावना के साथ मूर्ति का निर्माण किया है, उन सबके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अथक प्रयास इस यात्रा को बनाने में अपना योगदान दिया है।